अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। राम मंदिर निर्माण को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अब बस इंतजार है तो रामलला की मूर्ति लगने का। तो ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि आखिर कब भक्तों को मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। तो इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरीश महाराज ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में भगवान रामलला की मूर्ति को उनके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। जानकारी के अनुसार 2024 में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऐसे में अब वो समय आ गया है जब भगवान राम अपने मूल स्थान पर विराजमान होंगे। बता दें कि मंदिर के प्रथम फेज का काम लगभग 75% पूरा हो चुका है। मंदिर की दीवारें खड़ी हो गई हैं और मई या जून तक छत का निर्माण काम भी प्रारंभ हो जाएगा और गर्भगृह भी बनकर तैयार होने वाला है। हालांकि मंदिर में मूर्ति स्थापित होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहेगा। जनवरी 2024 तक गर्भगृह, पहली मंजिल और दर्शन की व्यवस्था पर काम पूरा किया जाना है। मंदिर निर्माण के लिए लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने वाले नगद चंदे में भी बढ़ोतरी हुई है। नगद चंदे की बात करें तो इसमें पिछले कुछ दिनों में 3 गुना वृद्धि हुई है। हर रोज 1 करोड़ रुपए से अधिक का नगद दान आ रहा है। ट्रस्ट के अधिकारी ने बताया कि राम मंदिर दान पात्र को हर 10 दिन पर खोला जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने राम मंदिर के दान पात्र में दी जाने वाली रकम की गिनती के लिए और उसे ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करने के लिए 2 कर्मचारियों को नियुक्त किए हैं।